हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून बटर डालना है। गर्म होने के बाद उसमें डालना है ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 10 से 15 काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग। इनको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद डालना है 2 कटे हुए प्याज। इनको अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको भून लेंगे। भूनने के बाद डालना है 2 से 3 कटे हुए टमाटर। इनको अच्छे से मिला देना है। फिर डालना है 7 से 8 काजू। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे थोड़े मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। फिर हम बनाएंगे कोफ्ता। आलू ग्रेट करना है, पनीर ग्रेट करना है। पनीर ग्रेट करने के बाद में हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अदरक। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा कॉर्नफ्लावर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स देना है। मिक्स देने के बाद हमको बनाना है कोफ्ता। आप चाय जैसी शेप में कोफ्ता बना सकते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारा मसाला। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद छलनी से छान लेंगे। अच्छे से स्मूथ पेस्ट निकल के आ जाएगा। उसको हम फिर कढ़ाई में चढ़ा देंगे। 2 टेबलस्पून मलाई डालना है। मलाई डालने के बाद कसूरी मेथी डालना है। उसको हम उनसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर हमें कोफ्तों को डीप फ्राई करना है। उसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल लेना है हमको थोड़ा बहुत। उसे मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम उसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। चलिए, हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आइए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ऊपर से ग्रेवी डाल के अच्छे से सर्व करेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।